तो कैसे हो गाइस, बात करेंगे टेक्नोलॉजी का ट्रेंड एपिसोड आज हमारा है 73। कुछ कमाल धमाल की न्यूज़ है आज हमारे पास। और सबसे पहले तो बात करते हैं पोल के रिजल्ट्स की। पोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारा क्वेश्चन होता है चूज वन। और चूज वन के अंदर मैंने गाइस आप लोगों से पूछा था पबजी वर्सेज 4G। आप लोगों को जैसे पता है पबजी तो बैन चल रही है और बाकी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी अब 4G को ट्राई किया जा रहा है। तो रिजल्ट्स के अंदर 80% वोट जो आए हैं 4G के आए हैं और 20% पबजी के। भाई पबजी से वेव वाई अच्छी नहीं है, पबजी वापस आ जाएगी लेकिन फिर भी वेव वाई अच्छी नहीं होती। खैर अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आज क्या क्या हमारे पास कमाल धमाल न्यूज़ है। तो लेट्स सी, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पहली न्यूज़ की यहाँ पर बात कर लें। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या अपडेट हो रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर इजी पैसा और नादरा ने मिलकर कोलैबोरेट करके कुछ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इससे पहले भी डिजिटल इजी पैसा की एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर मैंने आप लोग लास्ट टाइम बताया था इजी पैसा जिसने कोलैबोरेट तब भी इजी पैसा ने कोलैबोरेट किया था पे फास्ट के साथ और कोई डिजिटल पेमेंट मेथड लेके आने वाले हैं। और आज इजी पैसा कोलैबोरेट कर चुका है नादरा के साथ और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस लेके आने वाले। भाई सही जा रहे हैं डिजिटल दौर, भाई अपडेट होना चाहिए, जितनी फास्ट होगा उतना ही हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पर बात कर लीजिए, सैमसंग मैन्युफैक्चर करने जा रहा है 875। भाई 875 जब चिपसेट आएगी ना तो भाई एक स्टेप आगे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि अभी तक जो स्नैपड्रैगन चिपसेट है वो 865 है, 865 प्लस है और सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है 875। और ये अपकमिंग फ्लैगशिप फ़ोन जो आने वाला है सैमसंग का S21 उसके अंदर देखने को मिलेगा और उसकी जो लीक है फरवरी मार्च 2021 के अंदर होगी। तो आई होप सो कि हमें ये जल्दी देखने मिले इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस है वो भाई देख के एक लग से एक भाई मज़ा आएगा, क्योंकि 865 बहुत टाइम हो गया और 875 भाई कुछ तो नया लेके आएंगे। नेक्स्ट उसके यहाँ पर बात कर ली जाए Realme C17। आप लोगों को पता है Realme ने बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन अनाउंस कर दिए थे, Realme C17 भी उनमें से एक था। फाइनली Realme C17 भी अनाउंस डेट सामने आ चुकी है September 21। और इसके अंदर 90 हर्ट्ज का फ्रेश रेट जो देखने मिला है डिस्प्ले फ्रेश रेट, ये आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है गेमिंग के अगर हिसाब से लेने चाहो। प्लस इसके अंदर क्वाड कोर कैमरा भी है भाई 21 को आने जा रहा है। बाकी तो पूरी कोशिश होगी अनबॉक्सिंग इसकी करेंगे, अगर पाकिस्तान में नहीं आएगा तो शिपिंग हम कहीं से करके अपने दूसरे चैनल के ऊपर हम लाजमी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पर बात कर लीजिए, YouTube की तरफ से एक शॉर्ट वीडियो का एक ऑप्शन कुछ टाइम पहले रिवील हुआ था कि भाई YouTube लेके आने वाला है। अब कुछ कंट्रीज़ के अंदर तो ये ऑप्शन आ चुका है, इंडिया के अंदर भी रूमर्स लीक के मुताबिक कुछ टाइम के बाद देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान में अभी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, बट ये कंट्री वाइज ऑन होता जा रहा है ऑप्शन, बट उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान में भी आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में YouTube नहीं प्रोवाइड करा जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो मेरी उम्मीद है कि जल्दी ही पाकिस्तान को ये चीज़ें भी मिलने चाहिए जो बाकी कंट्रीज़ को ऑप्शन मिले, उनमें से YouTube शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि एज अ सिंपल जो अगर देखा जाए TikTok वीडियोस हैं उनको ही मतलब देख के बनाया गया कि ताकि उनकी पब्लिक पकड़ ली जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, बट ठीक है भाई YouTube का लेवल अब TikTok के साथ तो नहीं मैच करने वाला, TikTok कहाँ और YouTube कहाँ, तो अच्छी बात है आना चाहिए, हर कंट्री में ऑप्शन आना चाहिए। अभी तो इंडिया के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम के बाद नज़र आना जाएगा। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर ली जाए, ओप्पो रेनो 4 पूरा साल सीन हो रहा है, अब एक नया स्मार्टफोन होने जा रहा है ओप्पो रेनो 4 SE आने जा रहा है जो कि 21 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। इसके अंदर आप लोगों को 65 वोल्ट का चार्जर देखने मिल रहा है जो कि आप लोगों को बैटरी परफॉर्मेंस और बैटरी चार्जिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी देने वाला है। September 21 के अंदर C17 भी आने जा रहा है और इसी मंथ के अंदर एंड तक काफ़ी स्मार्टफोन है जो लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप कुछ स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो ये 15-20 दिन का वेट कर लो, काफ़ी स्मार्टफोन आपके मतलब लिस्ट में आ जाएंगे तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। Redmi 9 आए, कई आप लोगों को बताया था 15 सितंबर को आने जा रहा है इंडिया के अंदर, फाइनली लॉन्च हो चुका है, स्पेक्स आ चुकी हैं, कन्फर्मेशन आ चुका है, अब वेट हो रहा है पाकिस्तान में कब आएगा, हम कब अनबॉक्सिंग करेंगे, कब उसका रिव्यू करेंगे, उसके लिए भाई दुआएं चल रही हैं। अब यहां पर Redmi 9 आए जो लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, MediaTek का हीलो G25 चिपसेट है, जैसे आप लोगों को बताया तो हम उम्मीद कर रहे थे G70 आ जाता तो शश के ही अलग थे, बट G25 आ चुका है। 5000mAh की बैटरी है, साथ इसके अंदर गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है 4GB 64GB और 6GB 128GB का दो वेरिएंट देखने मिलेगा। पाकिस्तान में आकर 4GB 64GB या 4GB 128 हो जाता है ये अलग बात है, बट
आना चाहिए जब भी है। अब वेट हो रहा है कि पाकिस्तान में ये कब Redmi 9i लॉन्च होगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा मेक श्योर लाजमी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेली टेक न्यूज़ तो आती हैं, साथ आप लोगों को और भी टिप्स टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी टिप्स मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को लाजमी प्रेस कीजिए। अब मिलता हूँ 74 टेक न्यूज़ के अंदर। 74 होने जा रही है इंशाल्लाह परसों सुबह को, यानी कल सुबह को आएगी, आज और कल सुबह को आएगी, ठीक है? तो आप लोग परसों का वेट नहीं कीजिएगा, कल ही आएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लो। अल्लाह हाफिज़।